इस वक्त ही बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को रविवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मुंबई के बांद्रा में स्थित अपनी आवासीय सोसाइटी के गेट में अपनी कार से टक्कर मारने के आरोप है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि कांबली पर अपनी ही सोसाइटी के गेट में टक्कर मारने का आरोप है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब कांबली किसी मामले में फंसे हैं। कांबली गुस्सैल स्वभाव के माने जाते हैं। इससे पहले भी 2015 में उन पर और उनकी पत्नी पर नौकरानी ने गंभीर आरोप लगाए थे। 2015 में कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया हैविट के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस दंपत्ति पर आरोप था कि नौकरानी के पैसे मांगने पर उन्होंने नौकरानी को 3 दिन तक कमरे में बंद कर दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद हैविट ने मामले को एक नया मोड़ दिया था। कांबली और हैविट ने नौकरानी पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था।